हे गाइस, आज हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? क्वाड मीन्स फोर और लेटरल मीन्स साइड, यानी कि फोर साइड से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितनी होती है? जिस क्वाड्रिलेटरल में सिर्फ वन पेयर ऑफ लाइन, यानी कि दो लाइन्स आपकी पैरेलल हो और बाकी की जो दो लाइन है वो पैरेलल ना हो, उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। जिस क्वाड्रिलेटरल में हमारे टू पेयर्स ऑफ लाइन, यानी कि आमने सामने की लाइंस पैरेलल हो, उसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को फर्दर हम टू सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जिसकी टू पेयर ऑफ लाइंस पैरेलल हो, मींस आमने सामने की लाइंस पैरेलल है लेकिन इसकी फोर साइड्स इक्वल होती है, तो उसे हम बोलते हैं रोम्बस, लेकिन इसके फोर एंगल इक्वल्स नहीं होते। और उसके बाद जिस पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती है और जिसके एंगल्स फोर एंगल्स इक्वल होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल में हमारा ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमारे क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। और जिस रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल होंगी, उसे हम स्क्वायर बोलते हैं। लास्ट वन इज काइट। काइट में एडजेसेंट साइड जो है आपकी इक्वल होती है, लाइक ए डी इज इक्वल टू ए बी और डी सी इज इक्वल टू बी सी। एक क्विक रीजन कर लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है। फोर साइड्स से बनी हुई एक क्लोज्ड फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसको आगे हम इसकी साइड्स और एंगल के बेस पे अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ लाइन, यानी कि दो लाइन सामने सामने की जो है वो पैरेलल है, लेकिन दूसरी जो दो लाइन है वो पैरेलल नहीं है, तो उसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं। अगर हमारे पास दोनों पेयर ऑफ लाइन, यानी कि आमने सामने की जो लाइन्स है वो पैरेलल है, तो उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में एक डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल में हमारा हर एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन पैरेललोग्राम में हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। सेम हमारे रोम्बस और स्क्वायर में भी यही फ़र्क है कि स्क्वायर में हमारा हर एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन रोम्बस में हमारा हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो स्क्वायर में हमारा क्या होता है? सभी साइड इक्वल होती है और दोनों पेयर ऑफ लाइंस जो है आपके पैरेलल होते हैं और सभी एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है? दो पेयर्स ऑफ लाइन आपके पैरेलल होते हैं और आपके सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। रोम्बस में आपका दोनों पेयर ऑफ लाइन आपकी पैरेलल होंगी, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। और पैरेललोग्राम में आपकी फ्रंट की आमने सामने की जो लाइंस है वो आपकी पैरेलल होंगी, लेकिन आपके एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। और जो आपका ट्रेपेजियम है उसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ लाइन आपकी पैरेलल होंगी और काइट में आपकी एडजेसेंट साइड इक्वल होगी।